हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.4। तो जो भी बच्चे बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी सॉल्व करना। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 15 क्वेश्चंस तक देख लिया, अच्छे से समझ लिया है। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 16, 17 और 18। अगर आपको ये अभी तक पसंद आया या आपको समझ पा रहे हैं वीडियोज़ को, आपको हेल्प हो रही है, तो लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है बच्चों, पहले स्टार्ट करते हैं 16, 17 एंड 18। पहला क्वेश्चन है 4x + 1/√2x² + x - 3। तो सबसे अच्छी बात इंटरेक्शन में यह होती है, जो मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ, कि डिनोमिनेटर में देखो कि डिफ्रेंशिएट करने से न्यूमरेटर आता है क्या। अगर ऐसी कोई बात है या ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमें मिलता है कि डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करें न्यूमरेटर आ जाए, तो ये काफ़ी इजी वाला इंटीग्रेशन होता है। ये बहुत ही इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग इंटीग्रेशन है ना। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है तो बड़ा आराम से आप उस डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी पुट कर सकते हो। या आप ध्यान से देखो, आपके रूट के अंदर क्या दिया गया है, 2x² + x - 3। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 4x + 1। ठीक है ना, रूट के अंदर वाली चीजों को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिल रहा है न्यूमरेटर। इससे इजी इंटीग्रेशन तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, स्टेप वन में लिखोगे लेट अंडर रूट 2x² + x - 3 = t। आपने कर दिया सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, अब इसको आप करोगे डिफरेंशिएट। इंटीग्रेशन को अगर आपको बिल्कुल मास्टरी करनी है ना, तो दो चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार बच्चों को बताता हूं, एक तो डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या बताया था मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चीज़ें अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलती है। हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x² + x - 3 * करके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x + 1 मिलेगा dx = dt। ठीक है ना, यही मिलेगा मुझे। अब मैं इस 2 को यहाँ से हटा लूँगा तो 4x + 1 dx / √2x² + x - 3 ये हो जाएगा 2dt। ठीक है, तो इस पूरे चीज की जगह मैं 2dt लिखने वाला हूँ। इस पूरे इंटीग्रेशन में 2dt आ जाएगा। हमारे पास इस पूरे को आप हटाओगे, पूरे को कहने का मतलब है यहाँ dx है ना, और ये इंटीग्रेशन है, ये ना गिवन है। तो इस पूरे की जगह आप लिखोगे 2dt और यहाँ पे डाल दो आप 2dt। तो 2 तो खैर बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t हो जाएगा ना, और आपको वापस t की वैल्यू डाल देनी है, यानी कि ट्वाइस अंडर रूट 2x² + x - 3। ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको नहीं भूलनी है। बहुत बार मैंने बच्चों का टेस्ट लिया है, वो ये प्लस से लिखना भूल जाते हैं तो मार्क्स कट। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, वरना मार्क्स कट हो जाएगा। तो कृपया अगर इसको नोट करें, और कोई भी डाउट है तो झिझक नहीं है, होनी चाहिए पूछने में, बिंदास पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। तो इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं 17। हाँ चौक करते हैं 17 क्वेश्चन, देखते हैं 17 क्वेश्चन कैसा है। x + 2 न्यूमरेटर में √x² - 1 है। तो जब भी इंटीग्रेशन आप करो बच्चों, पूरा फॉर्मूला सीट लेके बैठो, क्योंकि बार बार देखने की जरूरत पड़ती है। और ये जो प्रोसेस है बार बार देखने का, आप डेली करो, डेली के 5-7 अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपको आइडियाज लग जाते हैं कि एग्जाम में एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि ये आइडियाज वाली चीज़ है, एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। अगर आप चाहोगे एक दिन में 50 क्वेश्चन कर लूँ और फिर 10 दिन कुछ ना करूँ, तो इंटीग्रेशन में कोई फायदा होता नहीं है। डेली 5 क्वेश्चंस करो, लेकिन डेली करो। इससे क्या होता है, फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो, और क्वेश्चन को पैटर्न को समझने में हेल्प होती है, कि हम लोग को किस क्वेश्चन में क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो मालूम हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है और ये dx है। ठीक है ना, इसको हम लोग दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकते हैं, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं
कौन कौन से, एक तो हो जाएगा x dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन प्लस टू dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन। ये दो इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया। अब आप यहां ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस वन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, 2x मिलता है ना, 2x। तो आपको तो x तो मिल ही गया है, कॉन्स्टेंट्स की ज्यादा आप फिक्र ना करो, कॉन्स्टेंट तो एडजस्टेबल है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट एडजस्टेबल है। आप यहाँ पे 2 लगा के ना 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। आप देखो x स्क्वायर माइनस वन को डिफरेंशिएट करो, 2x तो मिलेगा, यानी कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे अगर न्यूमिनेटर आ जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होती है इंटीग्रेशन में, कुछ भी नहीं होता बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, ठीक है ना, लेट x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू t। बस आगे तो आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है भाई और क्या, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ऐसे समझना है चीजों को, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू करने के बाद हो जाएगा टू एक्स माइनस जीरो डी एक्स इज इक्वल टू बीटा। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, किसी भी रूट वाले चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो तो वो चीज नीचे आ जाता है, साथ में टू भी लगता है। इस अगर पैटर्न को आप सीख लेते हो ना तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, टू एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू डी टी, ये आएगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसकी जगह मैं सिर्फ टू डी टी लिखूंगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं टू डी टी लिखूंगा और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, तो इसकी जगह आप टू डी टी लिख लो, इस पूरे को हटा दो और आप लिखोगे आई इज इक्वल टू वन बाई टू टू डी टी, ठीक है, टू डी टी आ गया आपके पास प्लस। अब ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आप बोलोगे यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, कुछ स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में, मैंने कहा ना फार्मूला सीख लेके बैठो। तो फार्मूला है हमारे पास वैसे, अब देखो कौन सा फार्मूला लगने वाला है, इस केस में फोर्थ वाला लगेगा ना बच्चों, इससे मिलता जुलता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, ये ए स्क्वायर मीन्स कॉन्स्टेंट है, तो इस केस में हमारे पास वन है, ध्यान से देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या, ए क्या, वन है। इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे, तो फॉर्मूला लगा देते हैं, लॉग ऑफ व्हाट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया प्लस सी, प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या मिलेगा, सिर्फ टी मिलेगा आपको, है ना, ये पूरा टी मिल गया, तो आप टी लिख डालोगे यहाँ पर, और टी क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको हटाओ, यहाँ पे लिखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस 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 प्लस दिस, ठीक है बच्चों, इजी है, मजेदार है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आप सोचोगे कि 18 कैसे किया जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे किया जाए, ये भी फिनिश ही कर देते हैं, रखना क्यों है किसी को, बच्चों के कॉल समय से जाते रहते हैं। चलो एनीवे 18th क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा दिया हमने, 18th के बारे में सोचते हैं। 18th क्वेश्चन, 5x प्लस 2 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब फिर से वही सोचो, क्या डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से कुछ मिलता जुलता चीज आता है क्या, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x, 2x को करेंगे तो 2 मिलेगा, 6x प्लस 2 मिल रहा है, ऊपर में 5x माइनस 2 है, x तो मिल रहा है, प्लस माइनस का फर्क है, कांस्टेंट का फर्क है, वी कैन मैनेज। तो इसे भी आप दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करो, सबसे पहले करते दो इंटीग्रेशन में ब्रेक, मतलब 5x dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसके बाद क्या है, माइनस 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इसको नोट करो और स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 6x प्लस 2, तो हम लोग को तो 6x प्लस 2 यहां मैनेज कर सकते हैं। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, लेट मी चेक द कैमरा वन सेकंड, यस। तो आप फटाफट यहां पे लिख डालो, फटाफट लिख डालो,
क्या लिखोगे? 6x+2 मुझे मैनेज करना है ऊपर में, 5 को यहां से हटा दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, 6x+2, आप यहां 6 लगाओ और यहां 6 से डिवाइड कर दो, ठीक, 6x+2 -2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, और मुझे यहां क्या मिल जाएगा, 3x² + 2x + 1। ये वाला कैसे होगा? ये वाला आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। देखो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 है, और डिनोमिनेटर में 3x² + 2x + 1, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो आपका काम हो जाएगा। इसको बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। उसके लिए आपको 3 को बाहर निकालना पड़ेगा, मैं तो यहीं पे रखो, आप बाहर निकालने का मतलब ये हो गया कि आप यहीं पे रखो, ये हो जाएगा x² + 2/3 x + 1, ठीक है। वापस यहां आ जाओ, अब आप 6x+2 को एक साथ रखो, -2 को अलग करो, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, 5/6 6x+2 dx अपॉन 3x² + 2x + 1 और प्लस 5/6 इंटू -2 dx अपॉन 3x² + 2x + 1 -2 dx अपॉन 3। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x² की जगह x लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, ये 1/3 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म बनता है उसका माइनस का टर्म यहाँ लिखते हैं स्क्वायर करके, 1/3 का स्क्वायर करके मैं लिखूंगा माइनस के साथ। हमने परफेक्ट स्क्वायर बार बार ऐसे ही बनाया बच्चों, भूलना नहीं है। ये बन रहा है हमारा टर्म, इसको इतना लिखो, फिर हम आगे करते हैं। हटाना पड़ेगा मुझे कुछ चीजें। हाँ बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे को एक इंटीग्रेशन ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक को कर लो तो दूसरा भी सेम आ जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट का ही तो डिफरेंस है। और ये अब हो चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो स्ट्रेट अवे आपको न्यूमरेटर मिल रहा है ना। डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो स्ट्रेट अवे आपको न्यूमरेटर मिल रहा है। तो इस तरह के जब आपको मिल जाए स्ट्रेट अवे, ना रूट है ना कुछ है, तो आप इसको लॉग के फॉर्म में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। इसको पूरा का पूरा हटा के आप लिख सकते हो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला, ये इसका हो चुका है, इसका ये जो है ना इंटीग्रेशन हो गया है। आप सीधा आंसर लिख सकते हो, क्या आंसर लिखोगे, लॉग ऑफ 3x² + 2x + 1। ये कब लिखते हैं, जब एग्जैक्टली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पे एग्जैक्टली आपका न्यूमरेटर आए तो स्ट्रेट अवे आप लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाला क्वांटिटी यहां डाल दो, हो गया, ये आपका आंसर आ चुका है। अब हम इन दोनों की बात करें तो अभी हम लोग यहां पे इसको स्क्वायर कर रहे हैं, ये अब स्टेप्स हमारा खत्म होने वाला है। तो जो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का ना, वही यहां भी डाल देंगे, बाकी कॉन्स्टेंट यहां पे रहेगा अलग अलग, तो करके देख लेते हैं। बाकी पहले के स्टेप्स वाले में ये चीजें हटा देता हूँ, ठीक है ना, ये चीजें हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको करने वाला हूँ इंटीग्रेट, इसको एज इट इज छोड़ दो और इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये है -2 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, dx अपॉन, ये मुझे क्या देगा, 3 x + 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 जब अंदर आएगा तो -3/9 हो जाएगा ये ना, -3/9, और +1 तो यहाँ पहले से ही है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो तो आपको कितना मिलेगा, -2 dx अपॉन ये है 3x + 1/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6/9, ये हो गया 6/9। अब यहां से आप 3 हटाओगे कॉमन लेकर के, क्योंकि यहां भी 3 छुपा हुआ है, यहां भी 3, इसको बाहर निकाल लो तो आपको मिल जाएगा -2/3 dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 2/3 √2 है ना, √2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप 3 यहां से बाहर लोगे, यहां से आप 3 बाहर लोगे तो 2 बचेगा, और फॉर्मूले में फिट करने के लिए मैंने इसको स्क्वायर के टर्म में लिखा है √2/3 का होल स्क्वायर, ये आपको 2/9 मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे को एग्जैक्टली मालूम है,
क्या फॉर्मूला होता है, माइनस टू बाई थ्री। ये जो फॉर्मूला है इसका आपको शायद याद नहीं होगा, याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। वन बाई ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये मिल चुका है मुझे इसका इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो इसके लिए भी वैलिड है, कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास यहां पर माइनस फाइव बाई थ्री। ठीक है, तो स्टेट में मैं साथ साथ लिख रहा हूं माइनस ऑफ फाइव बाई थ्री, और इसको हम लोग पूरा काम कर लें तो क्या मिलेगा, वन अपॉन रूट टू बाई थ्री टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये मिला। इसको हम लोग और भी छोटा बना सकते हैं और ये भी हमारा आंसर के साथ लिखा जाएगा। तो आप लोग एक एग्जैक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो इन दोनों को आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस माइनस, तो माइनस थ्री बाई टू रूट थ्री, थ्री बाई टू रूट टू, ये थ्री ऊपर रूट टू नीचे, ये मैंने कॉमन ले लिया। टैन इनवर्स ये है एक्स प्लस वन बाई थ्री अपॉन रूट टू बाई थ्री, तो मेरे पास क्या बचेगा, टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री यानी सेवन बाई थ्री, ये पूरा हो गया सेवन बाई थ्री। तो इसको मैं सेवन बाई थ्री लिख सकता हूँ, ठीक है, सेवन बाई थ्री लिख दिया और ये थ्री थ्री कट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपको जो बचा ये पूरा का पूरा आपका आंसर बचा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फाइव बाई सिक्स लॉग ऑफ दिस थिंग माइनस सेवन बाई रूट टू इंटू टेन इनवर्स दिस थिंग प्लस सी। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, 19 और वर्ड्स देखेंगे क्वेश्चंस। बाय बच्चों, टेक केयर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 को करने का एक दूसरा तरीका भी है, उस तरीके को भी सीखना जरूरी है क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट में दो तीन तरीके तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 18 का तरीका नंबर दो। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो एक या अधिक मेथड हो सकते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आपको थोड़ा इतना ध्यान रखना है, कभी कभी कांस्टेंट की चीजें आपको अलग अलग आंसर मिल सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहा हूँ मैं विद सेकंड मेथड। यहाँ पर आपको एक मेथड मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में जब भी पावर ज्यादा हो एज कंपेयर टू न्यूमरेटर तो हम लोग लगा सकते हैं इस मेथड को, लिखेंगे लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b। ये आप लिख लो पहले, यहां पर डिफरेंशिएट करने वाले हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 प्लस 6x प्लस b। यहां से हम लोग इक्वेट करके हम लोग a और b की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं। यहां ध्यान से देखो आपको क्या मिलने वाला है, 2a प्लस b प्लस 6ax। 2a प्लस b क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट से इक्वेट करने वाले हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से इक्वेट करने वाले हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2 और 6a इज इक्वल टू 5। x को हम लोग x से इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर लेते हैं, तो a की वैल्यू मेरे को मिल गई 5 बाई 6। ठीक है, a की वैल्यू यहां डाल देते हैं 5 बाई 6, 2a प्लस 5 बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 2, सो 2a हो गया माइनस 2 माइनस ऑफ 5 बाई 6, तो a क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 12 माइनस 5 अपॉन 12, तो माइनस ऑफ 17 बाई 12। ठीक है ना, 2a 2a प्लस b इज इक्वल टू हमने उसमें लिखा है माइनस 2, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, 6a को हम लोगों ने इक्वेट किया है 5 से, a हो गया 5 बाई 6, तो a की जगह 5 बाई 6 लिखी है, माई फॉल्ट, a की जगह 5 बाई 6 लिखी है, मैंने b की जगह लिख दिया, सो 2 इंटू 5 बाई 6 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2, ये कट जाएगा, तो
तो बी हो जाएगा माइनस टू माइनस और फाइव बाई थ्री, तो माइनस इलेवन बाई थ्री ये आ गया। बी की वैल्यू है माइनस इलेवन बाई थ्री, तो ए की वैल्यू फाइव बाई सिक्स, यहाँ पे ए की जगह आप लिखोगे फाइव बाई सिक्स, ए की जगह आप डाल दो फाइव बाई सिक्स, बी की जगह माइनस इलेवन बाई थ्री, ए की जगह फाइव बाई सिक्स, बी की जगह माइनस इलेवन बाई थ्री। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, न्यूमरेटर को यहाँ से हटा करके ना सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वाला चीज अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब 5x माइनस 2 को हटा देते हैं, वहां पे आ जाएगा 5 बाय 6 इंटू 2 प्लस ऑफ 6x, 2 प्लस ऑफ 6x dx, ठीक है ना। इसको आप अलग रखोगे इंटीग्रेशन में, इसको अलग रखोगे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब आप यहां पे इसको t ले लोगे, पुट दिस एज t, लिखेंगे लेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू t। इसको आप डिफरेंशिएट करो तो एग्जैक्टली न्यूमरेटर वाली चीजें आ रही है, तो आप लॉग लिख सकते हो। देखो जब भी ऐसी केस आए ना आपके पास कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से स्टेट अवे न्यूमरेटर आ रहा है, आप सीधा लिखोगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर भी आपके लिए मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये मिल जाएगा 2 प्लस ऑफ 6x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से यहां तक पूरा आपको dt मिल गया, तो इसको हटाओ dt लिख लो, ठीक है ना। चलो इसको हटा लेते हैं, यहां dt लिख लेते हैं dt, और ये डिनोमिनेटर पूरा t हो गया, ये पूरा t हो गया। dt अपॉन t क्या होगा, log t। तो आपको जो अल्टीमेटली आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, dt by t, log t मिलेगा। तो 5 by 6 log of t, t का मतलब वही 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप यहां पर आओ वापस, यहां से 3 आप बाहर निकालोगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने हमें आता है 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 बाय 9 प्लस 1, ठीक है। मैं परफेक्ट स्क्वायर बार बार बता चुका हूँ, इसलिए मैंने स्टेटर पे ऐसा लिख दिया है। तो यहां से हम लोग अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 6 बाय 9, बाकी सब मेथड वही है 6 बाय 9। यहां से आप 3 कॉमन ले लो, देखो ये तो हो चुका है ना, दिस इज द इंटीग्रेशन, फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया, यहां कर रहे हैं हम लोग। यहां से 3 कॉमन ले लोगे आप बाहर, तो ये 9 आप लिख सकते हो, यहां पे इसको 9 लिख दो, यहां से 3 आप हटा दो, यहां से आप 3 हटा दो, यहां से 6 हटा दो, 6 की जगह आप 2 लिख लो, ये ठीक है 2 बाय 9। अब फॉर्मूले को फिट करने के लिए मुझे यहां भी स्क्वायर का टर्म चाहिए, तो 2 की जगह मैं √2 लिखूंगा, 9 की जगह 3 लिखूंगा, तो यहां पर मुझे को टोटली क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर मेरे को टोटली क्या लिखना होगा, √2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब स्टेट अवे इसके लिए तो फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, माइनस 11 बाई 9, इसको आप यही छोड़ दो, इसके लिए क्या लिखेंगे, टैन 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए टैन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला होगा टर्म प्लस ये वाला टर्म होगा, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट।